नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार कुशवाहा एसकेके बायोलॉजी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं कैटल इग्रीट बगुलों के बारे में एक बहुत ही रोचक व उपयोगी जानकारी से युक्त वीडियो। फ्रेंड्स, यह कैटल इग्रीट अर्थात मवेशी बगुले हैं जो अक्सर हमारे खेत खलिहानों, बागानों या फिर चारागाहों में चरते हुए माल मवेशियों के इर्द गिर्द या उनके ऊपर बैठे हुए व कीटों का भक्षण करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सफ़ेद काया व लंबी गर्दन तथा लंबी टांगों के कारण यह आसानी से पहचान लिए जाते हैं। ये बगुले संघकार्डेटा के एवीज वर्ग के गण पेलिकैनी फार्मिज तथा फैमिली आरडीआईडी का सदस्य है। इसकी कुछ प्रजातियां हल्का ललचाव लिए व सिर व गर्दन के पास कुछ छितरे बालों वाले होते हैं जो देखने में इनसे काफ़ी खूबसूरत होते हैं। वैसे वनों की अंधाधुंध कटान व आवासीय इलाकों के बड़े वृक्षों के खात्मे से इनकी आबादी में कमी आई है, पर अभी भी इनकी संख्या धरती पर संतोषजनक बनी हुई है और ये हमारे पारितंत्र को संतुलित करने में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये बगुले प्राचीन काल से ही किसानों के मित्र प्राणी रहे हैं, क्योंकि ये भारी मात्रा में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों का भक्षण कर उनकी बढ़ती आबादी को सीमित करते हैं। वैसे तो ये बगुले हमारे खेत खलिहानों में हमेशा दिखाई देते हैं, पर फसलों की कटान एवं सिंचाई के समय ये कुछ ज़्यादा ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उस समय इन्हें कीट खाने का अवसर ज़्यादा प्राप्त होता है। कारण फसल तैयार होने में लगभग 3 से 4 माह का समय तो लगता ही है। ऐसे में इतने समय में उन फसलों में भारी मात्रा में टिड्डे और टिड्डियां अपनी वंश वृद्धि कर लेती हैं और फसलों को खाकर उसी में आसानी से छिपी रह जाती हैं। खड़ी फसलों में कीटों को ढूंढना बगुलों के लिए नामुमकिन होता है। ऐसे में वे कीटों को न तो देख पाते हैं और न ही पकड़ पाते हैं, लेकिन जैसे ही फसलें कटने लगती हैं टिड्डे टिड्डियां बाहर आ जाती हैं जो आसानी से बगुलों द्वारा शिकार कर ली जाती हैं। ठीक ऐसा ही सिंचाई के समय होता है, जब बहुत सारे कीट सर्दी गर्मी से बचने के लिए खेत के दर्रों, बिलों आदि में छिपे होते हैं और सिंचाई के दौरान उनमें जब पानी भरने लगता है तो वो बाहर आ जाते हैं और बगुलों या मैनाओं द्वारा आसानी से शिकार बन जाते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह खास वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द हम फिर एक ऐसे ही नए रोचक व उपयोगी मैटर वाले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।